गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। इनोवेटर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सबों का स्वागत है। इससे पहले हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े हुए थे एक्सरसाइज 6C, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा हुआ था डिवीजन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। हमने क्लास 8 का सारा चैप्टर, बोले तो एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन हो चुका है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वाला चीज़ें जितनी थी वो सारा ख़त्म हो चुका है। अब जो बात आएगा वो आएगा अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ का, ठीक है। आइडेंटिटीज़ मतलब क्या होता है? तो जैसे हम लोग बचपन से फार्मूला फार्मूला सुनते आए हैं, है ना, तो आइडेंटिटीज़ फार्मूला को ही आइडेंटिटीज़ कहते हैं। बात समझ में आई? तो फार्मूला को क्या बोलते हैं? आइडेंटिटीज़। तो चलिए, हम लोग आप लोग बचपन से ही बहुत बार सुने होंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इन्हीं तीनों चीज़ों पे आज हम लोग चर्चा करेंगे और उससे संबंधित कुछ सवाल को सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं एक एक करके सारे चीज़ों को। सबसे पहला ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका क्या मतलब है? तो आप जब पढ़ते हैं स्क्वायर वाली बात, तो अगर कहीं पे आपको ए का स्क्वायर दिख रहा हो तो मतलब ये होता है कि आप ए को, अगर कहीं पे ए स्क्वायर लिखा हुआ हो तो आप उसको करते हैं ए इंटू ए, है ना। यहीं पे वो सेम वैसा ही अगर ए प्लस बी का होल स्क्वायर है तो इसको आप क्या लिख सकते हैं? ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी लिख सकते हैं ना। तो आप इस दोनों को आपस में आप मल्टीप्लाई करोगे, या तो आप कॉलम मेथड से करो या फिर हॉरिजॉन्टल मेथड से करो। तो देखो a इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये आएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर। आपको बस यहाँ पे ये पता होना चाहिए कि अगर a को b से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसको हम ए बी भी लिख सकते हैं या बी ए भी लिख सकते हैं। तो मतलब ये दोनों आपस में एक जैसा है, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ए स्क्वायर प्लस ए बी ए बी कितना, टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यही फार्मूला हम लोगों ने बचपन से पढ़ा हुआ है, ठीक है। अब इससे सर ये तो पता है, अब इसका होना क्या है? तो इससे संबंधित आपको सवाल दिया जाएगा, क्वेश्चन दिया जाएगा और आपसे पूछ लिया जाएगा। जरा बुक देना बाबूड़े। इससे देखो, जैसे सवाल आपसे पूछ ले रहा है क्या, इसका हम एग्जाम्पल करके बना दे रहे हैं। जैसे पूछ रहा है आपका एक्सरसाइज 6D का क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट। जैसे आपका पहला क्वेश्चन है एक्स प्लस 6 इंटू एक्स प्लस 6, चलो इनको आप बताओ इसका वैल्यू कैसे निकालोगे। तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा सर, ए का वैल्यू एक्स और बी का वैल्यू 6, ठीक है, बहुत अच्छा। तो सर इसको हम x प्लस 6 का होल स्क्वायर तो लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अब a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? तो अभी आपने देखा क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब देखो a का वैल्यू तुम्हारा क्या है, x, तो x स्क्वायर प्लस 2a का वैल्यू है x और b का वैल्यू है तुम्हारा 6 प्लस बी स्क्वायर और b का वैल्यू है 6, 6 का स्क्वायर। तो तुम्हारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6 टू या 12x प्लस 36। बात समझ में आया? तो इस तरीके का कोई भी सवाल हो जो a प्लस बी के तहत आपसे पूछा गया हो, जैसे एक और सवाल हम लोग बना लेते हैं, जैसे आपसे कह दे 7x प्लस 5 का होल स्क्वायर बताओ, तो आपको साफ साफ ये चीज़ें दिखना चाहिए ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है और आपको इस पर सीधा से ये वाला चीज़ अप्लाई कर देना है। तो क्या होगा, 7x स्क्वायर प्लस 2 7x प्लस इंटू 5
प्लस 5 का स्क्वायर। क्यों? ए का वैल्यू कितना हो गया 7x और बी का वैल्यू हो गया 5, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 49x स्क्वायर। अब देखो ये, अब इससे पहले वाले जब इंट्रोडक्शन चल रहा था तो ये आपको पता था, ये फैक्टर बना हुआ है किसका, अगर 7x स्क्वायर को लिखेंगे तो इसको लिख सकते हैं 7 × x × x, है ना। अब अगर x पे स्क्वायर है तो इट मीन्स कि इस पे भी स्क्वायर है, बात समझ में आ रहा है ना। तो 7 का स्क्वायर तो हो गया 49, और x पे पावर स्क्वायर है तो वो स्क्वायर ही रहेगा। प्लस 7 × 5 = 35 प्लस इंटू टू तो 70x, और प्लस का 25। तो आपसे अगर ए प्लस बी का होल स्क्वायर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा आपके एक्सरसाइज के अंदर, एक्सरसाइज 6D के अंदर, तो उन सारे क्वेश्चन को आप इस तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। आई होप कि आप सबों को ये बात समझ में आई होगी। चलिए हम लोग अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, दूसरा आइडेंटिटी जो है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, आप सबों को पता है हमारे देश का जीडीपी बहुत अच्छा है, हमारा देश एक अच्छे नेतृत्व करने वाले नेता के हाथों में है जो हमारे देश को एकदम विकास 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 दे रहा है। अब तो विकास भी इतना बार अपना नाम सुन लिया है कि डर के मारे भागे जा रहा है ना। चलो, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसका भी मतलब यही है, ए माइनस वहां पे प्लस था यहाँ पे माइनस है, इस दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना, होल स्क्वायर मतलब चीजों को उसकी चीजों से मल्टीप्लाई करना। ठीक है, तो यहाँ पे ए इंटू ए माइनस बी इंटू माइनस बी, ये वाला टर्म ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस ए बी, और माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर, तो हो जाता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है, इस पे भी आपसे ढेर सवाल पूछा जा सकता है। जैसे अगर हम कहे, आप हमें ये बताओ 3x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, क्या है 3x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर का होल स्क्वायर, आप हमें बताओ। तो आपको ये साफ साफ समझ में आना चाहिए कि a का वैल्यू हमारा 3x स्क्वायर है और b का वैल्यू 4y स्क्वायर है, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला आप यहाँ पे अप्लाई कर लो। तो क्या हो जाएगा, हमारा ए मतलब ये हमारा ए का वैल्यू और ये हमारा बी का वैल्यू, तो ए स्क्वायर तो मतलब 3x स्क्वायर, ये हमारा ए हुआ, इसका स्क्वायर करना है, माइनस 2, ए का वैल्यू कितना है 3x स्क्वायर और बी का वैल्यू कितना है 4y स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर 4y स्क्वायर का स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपको साफ साफ दिखेगा 9x पे पावर 4, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9x स्क्वायर पे पावर 2 है, तो यहाँ पे पावर 4 होगा। ये आपने एक्सपोनेंट वाला चैप्टर में पढ़ रखा होगा कि मल्टीप्लाई होता है तो आपस में ऐड हो जाता है। यहाँ पे 4 × 3 = 12 × 2, 12 × 2 = 24, और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और यहाँ पे साइन प्लस का, और 4 का स्क्वायर होता है 16, और वाई पे पावर 4, बात समझ में आई। तो इस तरीके का आपसे जब कभी भी सवाल पूछे तो आप इन सारे सवालों को बस एक लाइन में बना सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं, वो क्या है 3y 4p स्क्वायर माइनस
फाइव बाई सिक्स क्यू स्क्वायर। तो इसमें भी आपको साफ साफ दिखना चाहिए भैया कि ए का वैल्यू जो है वो थ्री बाई फोर पी स्क्वायर है और बी का जो वैल्यू है वो फाइव बाई सिक्स क्यू स्क्वायर है। तो आप बता लो ए स्क्वायर माइनस टू ए बी तो क्या होगा, थ्री बाई फोर पी स्क्वायर का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस टू ए का वैल्यू है थ्री बाई फोर पी स्क्वायर और b का वैल्यू है 5 बाई सिक्स क्यू स्क्वायर। तो क्या हो गया ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस का बी स्क्वायर 5 बाई सिक्स क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर। बात समझ में आई? अब देखो थ्री थ्री का स्क्वायर कितना होता है 9, 4 का 16 और P पे है स्क्वायर 2, तो फिर यहाँ पे भी दोनों आपस में ऐड हो जाना है। अब यहाँ पे देखो ये 3 इसको काट दे रहा है दो बार में, ठीक है, और ये 2 से कट जा रहा है, बच क्या जा रहा है 5 बाय 4, 5 बाय 4 और उसके साथ है पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। अब प्लस 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 बाय 36 और क्यू स्क्वायर है तो क्यू पे पावर 4 हो जाएगा। आई होप कि ये सारे चीज़ें आपको समझ में आई हो, आप इससे संबंधित सारे क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। आपके एक्सरसाइज के अंदर इससे रिलेटेड सवाल दिया हुआ है, आप उन सारे सवालों को बनाएंगे और अगर कहीं भी कोई भी दिक्कतें हो, अगर अगला एक्सरसाइज को बनाने में आपको कोई दिक्कत हो, उससे संबंधित कोई क्वेश्चन हो, तो आप हमें बोल सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। इनको आप छापिए फिर हम अगला देखते हैं। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो इसको आप अगर करेंगे तो ये चीज़ें आएगी a इंटू ए माइनस बी प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो आप देखोगे इस दोनों को आपस में जब मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा ए स्क्वायर माइनस का ए बी और यहाँ पे भी माइनस का ए बी, माइनस का ए बी नहीं प्लस का, क्यों, क्योंकि यहाँ पे बी भी प्लस है और ए भी प्लस है, तो ए बी यहाँ पे प्लस में आना है और यहाँ पे ए प्लस में बी माइनस में, और प्लस माइनस जब दो अपोजिट साइन आपस में मल्टीप्लाई होता है तो वो माइनस देता है और यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर माइनस का बी स्क्वायर। अब आपको दिख रहा होगा एक माइनस में है दूसरा प्लस में है, इट मीन्स ये दोनों आपस में कैंसिल, तो बच क्या जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आपको पता चल गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ ले सकता है कि अब बताओ भाई 7y माइनस 3p है ना इंटू 7y प्लस 3p का वैल्यू क्या होगा। तो जब इस टाइप का सवाल पूछे तो आप सीधा से बैठा लो सर ए स्क्वायर ए का वैल्यू कितना है बी का वैल्यू, तो आप जानते हो ए स्क्वायर मतलब 7y स्क्वायर माइनस 3p स्क्वायर तो हो जाएगा 49y स्क्वायर और माइनस का 9p स्क्वायर। तो इस टाइप का जो भी सवाल होगा आप बहुत ही इजीली मज़े में बना पाएंगे, ठीक है। इसके बाद और भी कुछ है जिसको हम लोग अभी बनाने जा रहे हैं, जैसे आपसे अभी तो हम लोग वेरिएबल्स पे लेके बना रहे थे है ना, जब आपसे पूछते नंबर वाला क्वेश्चन, जैसे कभी आपसे पूछ ले मज़े में कि बताओ भाई 95 का स्क्वायर क्या होगा, 95 का स्क्वायर क्या होगा, तो 95 का स्क्वायर तो ईजी है, इसलिए इजी है जब किसी नंबर के लास्ट में 5 हो
और उसका आपसे स्क्वायर पूछे तो वो बताना बहुत इजी होता है। वो ऐसे इजी होता है कि आप देख लो लास्ट में 5 है, तो इसको करने के लिए आपको 5 का स्क्वायर पता होता है कि सर वो तो 25 होता है। चलो ठीक है, अब बच गया 9। 9 को 9 में 1 प्लस करो 10 होगा। अब 10 को फिर वापस 9 से मल्टीप्लाई कर लो तो हो जाएगा 90, तो ये होता है 95। इसी तरीके से आपसे कोई भी नंबर अगर लास्ट में 5 हो दे के पूछ ले तो आप इसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं बिना किसी जोर, बिना किसी पेन पेपर के मदद के। बताओ 5 का स्क्वायर होता है 25, और 10 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 110, है ना। उसी तरीके से अगर हम कहें 155 का करो तो क्या होगा, तो कहोगे सर 5 का 50, और 15 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 240। सही है, तो ये तो इजी वाला सवाल रहा। अगर हमारा यहाँ पे 95 या 105 नहीं कोई और डिजिट हो, जैसे अगर हमारा हो जाए, बताओ बेटा जरा 98 का स्क्वायर क्या होगा, तब क्या करोगे? तो इसे भी हम लोग या तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं और भी तरीके से निकाल सकते हैं, लेकिन हमें अभी जो भी सवाल सॉल्व करने हैं वो इस दोनों के बेस पे करना है। ठीक है, तो हमारा है 98। आप इसे प्लस के तौर पे भी बना सकते हो, आप इसे माइनस के तौर पे भी बना सकते हो। चलो अगर हम बात करें इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे कैसे बनाएं, तो अगर इसे हम लिख पाएंगे 90 प्लस 8 का होल स्क्वायर, 98, 90 प्लस 8, 98 वही चीज़ हम तो यहाँ पे लिखा हुआ, तो आपको पता चल गया होगा ए का वैल्यू 90 और बी का वैल्यू 8। तो अब बताओ ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, इससे पहले हम लोगों ने देखा हुआ था क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ओ सॉरी 2ab नहीं, 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ए का वैल्यू है 90 प्लस 2 × 90 प्लस 8 प्लस बी स्क्वायर, 8 का स्क्वायर। तो ये बताओ 9 का स्क्वायर कितना होता है, तो 81, 81 पे 00। अब ये बताओ कितना होगा, 9 2 जा 18, 18 एट जा 144। बोल नहीं रहे हो कुछ, सही है ना। चलो तो अब इन सारी चीजों को आपस में ऐड करना है, 4 6 10 0, 4 + 1 5 + 1 6 8, 86 04। इसी चीज को हम लोग ए माइनस बी के टर्म पे भी बना सकते हैं। अब ये कैसे, तो सर ये 98 है, 98 तो 100 से 2 कम भी है, तो इसको तो हम ये भी लिख सकते हैं कि 100 - 2। हाँ तो बिल्कुल लिख सकते हैं, तो यहाँ पे प्लस था यहाँ पे अब माइनस हो गया। बताओ ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो बोलोगे क्या कोई दिक्कत है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ए का वैल्यू है हमारा 100 माइनस 2, ए का वैल्यू 100 और बी का वैल्यू 2 और प्लस बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, तो 100 का स्क्वायर मतलब 1/4 × 0 माइनस 2 × 4 × 100, 400 प्लस 4, है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3 4 माइनस 400। तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 - 0 तो 4,
जीरो माइनस जीरो तो जीरो, जीरो माइनस फोर तो सिक्स, और ये कितना बच जाएगा, नाइन। कितना बच जाएगा, नाइन। हाँ नाइन, 9604 यही है ना, यही है। यस सर, यस सर, नो सर, दोनों का आंसर मैचिंग है, दोनों का आंसर मैचिंग है। तो ये चीजें आपको समझ में आई। इसी तरीके से ढेर सारा सवाल आपको प्लस माइनस माइनस प्लस पे दिया जा सकता है। जैसे अभी आप लोगों ने देखा 98 का स्क्वायर कितना निकल गया है, 9604। ये तो प्लस ए प्लस बी के मार्फत पे है ना, और ये माइनस वाले पे, फिर भी दोनों हमारा सेम सेम रहा। तो अब हम लोग प्लस माइनस वाला हो गया। अगर आपसे कोई ये पूछ दे 98 + 2 × 98 − 2 का वैल्यू बताओ, तो क्या करोगे, तो कहोगे सर ये तो वही है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो बोलो तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, तो ए स्क्वायर का वैल्यू कितना, 98 का स्क्वायर कितना आया, अभी अभी तो बना है 9604, और बी मतलब 2, 2 का स्क्वायर 4, तो सर 9600। समझ में आया, चलो जल्दी से इसको छापो। चलो क्या कुछ चीज लिखा हुआ है, 25x² + 9y² + 30xy का वैल्यू आपसे पूछ रहा है। अगर आपको x का वैल्यू और y का वैल्यू दिया हुआ है, सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे कह रहा है 25x² + 9y² + 30xy। अगर इससे पहले हम लोग इससे पहले जो आइडेंटिटीज पढ़े हैं उसको अगर नहीं पढ़े होते तो इसको कैसे सॉल्व करते, तो इसको कहते हैं सर ये 25 है इंटू है x 8 है, उसका स्क्वायर कर देते हैं, फिर प्लस 9 इंटू y का वैल्यू है 10, इसको स्क्वायर कर देते हैं, फिर प्लस 30 × 8 × 10 ऐसे करते हैं। सबसे पहले अब ये यहाँ पे 84 इंटू ये क्या हो जाएगा, 25 × 84 प्लस 9 × 100। प्रणाम सर, कितना हो गया, 8 × 3 = 24, और 24 पे कितना ही जीरो, 2 जीरो। अब ये बताओ 64 और 25 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, तो कहोगे सर इस दोनों को आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1600 आएगा, चलो इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 900 आएगा, और ये तो 2400 है ही। तो अब इस दोनों इस टोटल को आप अगर जोड़िएगा तो आपका आएगा 4900। ठीक है, ये तो तब ऐसे बनाएंगे जब इससे पहले वाले आइडेंटिटीज को हम लोग नहीं पढ़ रखे होंगे, लेकिन जब अब हम लोग पढ़ रखे हैं आइडेंटिटीज को तो इसको उस आइडेंटिटीज पे बनाएंगे। सर यहाँ पे आपने कहा है 25x², तो सर ये जो है ये तो 5x का स्क्वायर है, चलो वेरी गुड है। सर उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है प्लस का 9y², हाँ तो ये तो 3y का होल स्क्वायर हुआ, ठीक है। सर प्लस का 30xy है, तो 30 कब होगा, जब आप 2 को 5x से 3 के y से मल्टीप्लाई करो, हाँ तो सर ये तो a प्लस बी का होल स्क्वायर है। अच्छा ऐसा क्या, तो जी तो क्या है 5x + 3y ए प्लस बी का होल स्क्वायर ही तो होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है कि नहीं होता है? चलो तो 5 और x का वैल्यू है हमारा 8 प्लस 3 × y का वैल्यू है 10। अब इसका क्या करना है, तो ये हो जाएगा 40 प्लस ये 30 तो 70। अब 70 का स्क्वायर कर लो 4900। बात समझ में आया, चलो जल्दी से छापो इसको।
तो ये है दूसरा, इसको आप बनाइएगा एकदम से इजी वे में बनेगा, क्योंकि आपको यहाँ पे भी दिख रहा है 81x स्क्वायर, तो आप कहोगे सर ये 9x का ऑल स्क्वायर है, प्लस यहाँ पे 16y स्क्वायर, तो सर ये 4y का होल स्क्वायर है, माइनस 72 है, तो ठीक है 2 × a p, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए का वैल्यू तो है 9x माइनस 4y का होल स्क्वायर, तो 9 और x का वैल्यू कितना है 2/3, माइनस 4 और y का वैल्यू है 3/4, तो ये 4 4 कैंसिल, ये 3 से 3 कैंसिल, तो मतलब 6 − 3 बराबर 3 का होल स्क्वायर, तो सर ये तो आंसर 9 हो जाएगा। बात समझ में आया? चलो जल्दी से छापो। चलिए क्वेश्चन नंबर ए, इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है कंटिन्यूड प्रोडक्ट निकालने के लिए। आपको पता है ए प्लस बी और ए माइनस बी जैसा दिख रहा है, तो क्या होता है जब ए प्लस बी और ए माइनस बी हो, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये किसका फॉर्मूला होता है, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होता है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन, फिर यहाँ पे है इसको एक्स स्क्वायर प्लस वन से मल्टीप्लाई करना है, तो अब बताओ ये ए स्क्वायर माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो क्या होगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस वन, तो एक्स पे पावर 4 − 1, ठीक है। वैसे ही दूसरा नंबर एक्स ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो क्या ए स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 9, ठीक है। दूसरा है एक्स स्क्वायर प्लस 9, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक्स पे पावर 4 − 81, सही है। चलो अब दूसरा देखो, कह रहा है इफ ए प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 12, एक्स वाई बराबर 14, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू, तो अब देखो यहाँ पे हम एक्स प्लस वाई इक्वल टू 12 है, तो हम यहाँ पे कहेंगे बोथ साइड स्क्वायरिंग, बोथ साइड स्क्वायरिंग, दोनों साइड स्क्वायर करने के बाद क्या होता है, जब स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस 2 ab प्लस बी स्क्वायर बराबर 144, 12 का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2xy का वैल्यू है 14 प्लस वाई स्क्वायर बराबर 144, तो क्या हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा 144 − 28 = 116, ठीक है। आई होप कि ये सारी बातें आपको समझ में आई हो। अब आपका एक्सरसाइज 6D क्लास 8 का सारा क्वेश्चन एकदम इजी से बनेगा, मज़े मज़े में बनेगा, आप उन सारे सवालों को बनाइएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग आएंगे, एक्सरसाइज 8 का सारा खत्म हो जाएगा, उसके बाद टेस्ट पेपर है उसको आप बनाइए, और इसके बाद जो वीडियो आएगा वो आएगा क्लास 9th का अल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ के साथ, तब तक इसको आप बनाइए। तब तक के लिए जय हिंद, फिर मिलते हैं नए वीडियो में। तो ये रहा इस एक्सरसाइज का सबसे मजेदार वाला सवाल, ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे एकदम मजे से, ठीक है। और यही सवाल है जो आपको 9th क्लास में आगे जाके इसका वैरायटी देखने के लिए आपको मिलेगा। चलिए सबसे पहले एक्स प्लस 1/x इक्वल टू 5 आपका गिवेन है, ठीक है, तो पूछ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू आप बताओ, तो आप कैसे बताओगे इनको, तो कहोगे सर बोथ साइड क्या स्क्वायर कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है, तो लोग कर लो बात, स्क्वायर हो गया। अब बताओ ये 1a + b का होल स्क्वायर जैसा दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, दिख रहा है ना, a + b के होल स्क्वायर जैसा दिख रहा है, तो x + 1/x² बराबर a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + 2ab + b² सही है ना, तो क्या करोगे x² + 2
ए बी प्लस बी स्क्वायर करोगे ना। अब कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस, देखो ये और ये तो कैंसिल हो गया ना, बच गया गया 2 प्लस 1। अब ये एक्स का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 25। अब क्या, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर बराबर 25 माइनस 2 इक्वल टू 23। ठीक है, अब ये पूछ ले रहा है दूसरे नंबर क्वेश्चन में कि अब मुझे ये बताओ एक्स पे पावर 4 प्लस 1 बाय एक्स पे पावर 4 का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे करना कुछ नहीं, यहाँ पे भी आपको सेम चीजें करनी है जैसे हमारा इससे पहले रिजल्ट आया है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर बराबर 23। तो आप इसको फिर से दोनों साइड स्क्वायर कर लो, तो फिर देखोगे ये हो जाएगा एक्स पे पावर 4 प्लस 2 एक्स पे पावर 2 इंटू 1 बाय एक्स पे पावर 2 प्लस एक्स पे पावर 4 इक्वल टू 729, 23 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, फिर एक्स पे पावर 4 प्लस 1 बाय एक्स पे पावर 4 बराबर 729, और ये 2 इधर आके माइनस हो जाएगा 727। बात समझ में आया? एक हमारा क्या होगा 23 पहले नंबर का और दूसरे नंबर का 727। 529। अच्छा क्या होता है इसका स्क्वायर? 24 का स्क्वायर कितना होता है 23 का? 529। 529 कर लो, है ना, 527। अब 529 और कहीं करवाओगे? निकलवा लो। चलो ठीक, यहाँ पे x माइनस 1 बाय एक्स का स्क्वायर 5 का स्क्वायर करेंगे, क्यों, बहुत साइड स्क्वायरिंग लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर बराबर 25 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर एक्स एक्स कैंसिल, माइनस 2 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25। तो फिर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर बराबर 25 प्लस, ये इधर माइनस में है तो इधर आके प्लस का हो जाएगा और हो जाएगा हमारा 27, है ना। तो फिर कह रहा है एक्स पे पावर 4 प्लस 1 बाय एक्स पे पावर 4 का वैल्यू बताओ क्या होगा। करोगे बदमाशी रे? एक्स पे पावर 4 प्लस 1 बाय एक्स पे पावर 4 का वैल्यू ये पूछ रखा है, तो अब ये बताओ एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर बराबर कितना आया है? तो 27। तो अब इसका दोनों साइड स्क्वायर कर लो और यहाँ लिख दो बोथ साइड। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर। 27 का स्क्वायर कितना होता है? 529। तब कितना होता है? 729। ठीक, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स पे पावर 4 प्लस 2
प्लस वन बाय एक्स पे पावर फोर इक्वल टू 729। तो फिर हो जाएगा x पे पावर 4 प्लस 1 बाय x पे पावर 4 इक्वल टू 729 माइनस 2 इक्वल टू 727। बात समझ में आया? Yes, चलो इसको जल्दी से छापो।